बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शम्सी किचन। आज मम्मा आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हैं। किसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हैं? झटपट लौकी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हैं। ये लहसुन है, 4 अदद प्याज है, 2 अदद टमाटर हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरे और धनिया का पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और नमक हसबे जायका। और ये चिकन है और ये लौकी है। हम प्रेशर कुकर में ऑयल डाल लेंगे। लहसुन और प्याज डाल लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आज कैमरा में बताऊं क्यों हिल रहा? आज मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा। मम्मा इसमें लौंग और काली मिर्च डालना भूल गई थी, मम्मा ने वो भी डालनी। कैमरा बहुत हिल रहा है आज, मैंने पकड़ा हुआ है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शम्सी किचन। जल्दी से लाइक करें। अच्छा, अगर अभी नहीं करी तो बाद में कर लेगा, इसलिए बताया कि कहीं भूल ना जाए। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देगा, जो न्यू लोग देख रहे हैं वो तो ज़रूर करें। शुक्र, अल्लाह का शुक्र, हमारे फाइनली 92 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस एक और बात, शायद मैं अपने गांव जाऊं, फिर मैं वहां रिलेटेड वीडियोस डालूंगी, फिर आप लोग ज़रूर देखेगा। उसमें मैं रेसिपीज तो दिखाऊंगी, साथ में मैं अपना विलेज भी दिखाऊंगी कैसा है। बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे, सॉरी मम्मा चिकन डाल लेंगी। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मम्मा को मामू लोग आए हुए ना हमारे, तो उन्होंने बुलाया है, मुझे मिक्स ही करना नहीं आ गया, आ रहा हूँ। अब खैर मम्मा आ चुकी हैं। इसमें हल्दी पाउडर डाल लेंगी मम्मा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी। मम्मा के हाथ के खाने तो लाजवाब, मैं आपको क्या बताऊं, इतने टेस्टी होते हैं मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे मम्मा के हाथ का ब्रोस्ट और मैक्रोनी खाने वाली, इंशाल्लाह मैं ब्रोस्ट की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने पूरे मसाले डाल दें जो बताए थे आप लोगों को, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग भूनेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। और फिर हम इस मम्मा क्या डालेंगे इसके अंदर, टमाटर, तो हमने मम्मा ने टमाटर डाल लिए। हम बोल के मेरी आदत हो गई, मैंने शुरू से वीडियो में यही बोला है, अब चेंज हुआ है थोड़ा तो बोला नहीं जा रहा मुझसे। पानी थोड़ा सा, छोटा एक बाउल पानी डालेंगे ताकि इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो। अब हम इसमें लौकी भी साथ ही डाल लेंगे। मुझे लौकी बोलना नहीं आता, वैसे मुझे बताएगा आप किस किस को लौकी पसंद है, कमेंट को एक ही बताएगा मुझे ज़रूर। मुझे पसंद है इतनी नहीं, बस ठीक ही पसंद है। करेले पहले मुझे पसंद नहीं थे, अब करेले पता नहीं क्यों पसंद आ गए मुझे, पता नहीं क्या जादू कर दिया करेलों ने।
मज़े के होते हैं करेले, बस थोड़े कड़वे होते हैं, पर करेले हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। करेले का जूस, जिसकी आईसाइट वीक है वो जूस पिया करें, इसमें एक बाल पानी डाल लेंगे, करेले का जूस पिया करें, आईसाइट उसकी ठीक हो जाएगी, करेले भी खाया करें। अब हम इसको प्रेशर देंगे 5 मिनट का। आफ्टर 5 मिनट ये देखिए हमारे तैयार, शानदार, मज़ेदार, लाजवाब, पता नहीं कैसे मज़े के थे। मैंने खाए हैं ये, बहुत मज़े के थे। मैंने पहली दफ़ा इतने शौक से खाए थे लौकी, मैंने इतने शौक से खाई थी लौकी चिकन। देखिए टेस्टी तो लग रहे हैं मुझे, बहुत खाए हैं, मतलब मैंने बहुत मज़े के थे, बहुत ही मज़े के थे। और साथ में मैंने अपने हाथों का रायता बनाया था। आप लोग इसको राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत टेस्टी होती है। अब इसमें एक चीज़ तो डालने ज़रूर है, धनिया। सालन भी कह रहा होगा मेरे, अब कितनी अपलोडिंगली करेंगी आप। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। हाफिज़।